शर्म नहीं आती, सुबह सुबह चोरी करने निकल पड़े। नो, हम लोग तो मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। अरे क्या जमाना आ गया है, अब चोर और डाकू भी मॉर्निंग वॉक करने लगे। जय हो। ओ, तो ऐसी बात है, काली पहाड़ी की गुफा में खजाना छुपा है। सही बेल बजाते ही खजाने का दरवाजा खुल जाएगा। अरे मोटू, ये कोई साधारण कागज नहीं है, ये नक्शा है, नक्शा, खजाने का नक्शा। अरे अब हम करोड़पति बनने वाले हैं। समोसे खाएंगे। अरे तुम्हें तो समोसे की पड़ी रहती है, जल्दी इस काली पहाड़ी की काली गुफा में पहुँचते हैं, चलो। चाल से होशियारी, इनको पड़ेगी बहुत भारी। जिंदगी में पहली बार ये चमत्कार देखा है। हाँ तो अब देखते ही मत रहो, जल्दी से बेल बजाओ। लेकिन एक मिनट, सही बेल कौन सी है, कौन सी है? मैं तुम्हें यहाँ की बेल नहीं बजाने दूंगा। अरे क्यों बूढ़े बाबा, तुमको क्या तकलीफ है? ये मैजिकल बेल है, मेरे हो तो वे तुम इन्हें नहीं बजा सकते। अगर बजाई तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। अरे बूढ़े दादाजी, हमें अरेस्ट करने वाले आप कौन होते हैं? नहीं तो नाम इस चिंगम, चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, कानून की कसम। अरे वाह चिंगम सर, क्या गेटअप बनाया है, बिल्कुल असली लग रहे हो, कानून की कसम। ये गेटअप नहीं है, मेरी सचमुच ऐसी हालत हो गई है, कानून की कसम। लेकिन चिंगम सर, आप इतने बूढ़े कैसे हो गए? ये बड़ी लंबी कहानी है मोटू पतलू, तो उसे छोटा करके सुना दीजिए। अयम्मा, एक कागज हवा में उड़ता हुआ मुझे मिला। आप ठीक तो है ना, आपका कोई कील पुर्जा टूटा तो नहीं? मैं सोच रहा हूँ ये कागज मेरे ऊपर ही उड़ के क्यों आया, इसके पीछे क्या राज है? वाह सर, आप तो तोप हो, हिंदुस्तान की हो। ये बात है, काली गुफा में खजाना, जिसका दरवाजा मैजिकल बेल बजने से खुलेगा। जल्दी चलो। अरे मुझे भी ले चलो। मैंने उसे पढ़ा और यह आके घंटी बजा दी। यह सब मैजिकल बेल्स है, गलत घंटी बजाने से ऐसा हाल होता है। सर आपकी दुख भरी कहानी सुन के बहुत हंसी आ रही है। मेरा मतलब है कि बहुत दुख हो रहा है, आपके हवलदार आपको इस हाल में छोड़ के भाग गए। अरे बड़े शर्म की बात है। वो यही है, उन्होंने भी मैजिकल बेल बजा दी थी। यस सर। ये भी मतलब सही बेल बजाएंगे तो ही दरवाजा खुलेगा, और अब इस समस्या का हल डॉक्टर झटका ही निकाल सकते हैं। अरे भैया, ये डॉक्टर झटका का फोन यहाँ कैसे आया? Allow me to introduce Dr. Jhatka and Ghasita Ram. ये देखो, ये रहे दोनों। मेरे बाद इन्होंने अभी घंटी बजाई। Oh no! मेरे 20 साल का तजुर्बा में कभी ऐसा नहीं हुआ।
डॉन, जॉन बनेगा डॉन। अब तो चिंगम से रिटायर हो गए, अब ये खजाना मेरा होगा। अरे जॉन भैया, यहाँ खजाना है। अरे आओ तुम तीनों, एक एक घंटी बजाओ। अरे कोई ना कोई तो असली होगा ही। घंटिया तुम बजाओगे हम नहीं, मेढक तुम बनोगे हम नहीं। चलो चलो घंटी बजाओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। आइडिया मोटू, यही घंटी असली होगी। देखो इस नक्शे में सब घंटियां हिलती हुई दिख रही है, जैसे हवा में हिल रही हो। सिर्फ एक ही घंटी सीधी है, उस पे हवा का कोई असर नहीं। चलो दोनों एक साथ मिलके इस घंटी को बजाते हैं। अरे जो होगा दोनों को एक साथ ही होगा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। यार मजा आ गया। बल्ले बल्ले यार। जय हो। वैसे आप कौन हो? मैं किशनपुर का राजा हूँ। ये खजाना मेरा ही है, मैंने ही अपना खजाना छुपाने के लिए ये जगह बनाई थी और खजाने की रक्षा के लिए यहाँ घंटियाँ लगाई थी। लेकिन लेकिन क्या बड़े भैया? लेकिन जब मैं खजाने का दरवाजा बंद कर रहा था तो गलती से फिसल कर मैं भी अंदर रह गया और फिर बाहर निकल नहीं पाया। इसका जो नक्शा मैंने बनाया था वो उड़कर कहीं चला गया। हाँ, वो नक्शा ही तो हमें यहाँ लाया है, लेकिन खजाना कहाँ है? इन घंटियों पर बैठकर इस सुरंग के रास्ते से खजाने तक पहुँचा जा सकता है। अरे रुक जाओ, वो खजाना राजा साहब का है, राजा साहब को ही मिलेगा। स्टॉप स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। तुम जल्दी कुछ करो वरना जॉन पहले पहुंच जाएगा। आइडिया। ये तो चिंगम है, ये नहीं चलेगा। चिंगम किसी रेस में पीछे रह जाए, ये हो नहीं सकता। अरे ये पुलिस भी हमेशा गलत टाइम पे आती है। कानून का रखवाला होकर कानून तोड़ता है। अब तुम लोग कोई चाल नहीं चलना, क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। और नीचे नीचे गर्दन झुकाओ यार। उल्लू मत बनाओ। हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, खजाना राजा साहब का है, उन्हें ही मिलेगा। आश, अब जान बनेगा डॉन, जान बनेगा डॉन। खजाना हम लेंगे, देखते हैं हमें रोकेगा कौन। खजाना हाथ से चला गया यार। मेढक बना, कीड़े खाया और हाथ रहा खाली का खाली। अब हम नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या?
आप लोगों ने मुझे ढूंढा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग निराश मत होइए, आप सभी मेरे दरबार में आइए, आपको आपकी ईमानदारी और बहादुरी के लिए इनाम दिया जाएगा। थैंक यू राजा साहब। क्या मैं भी आ सकता हूँ आपके दरबार? तुम सिर्फ जेल जाओगे, वही तुम्हारा असली दरबार है।